दोस्तों, आजकल हमारे सोसाइटी और समाज को पता नहीं क्या होते जा रहा है। लोग इतनी कम एज में ही सुसाइड को गले लगा ले रहे हैं। सुसाइड करने जैसे बहुत ही आम बात हो गई है। गाइस, किसी भी टेंशन का, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन होता है। आप हमेशा अपने टेंशन का एनालाइज करिए और उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आप उसका सलूशन निकाल सकते हैं तो आप उस पर वर्क करिए, अगर नहीं निकाल सकते तो उसको इग्नोर करिए। डिप्रेशन हर इंसान को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डीपली सोचते हैं, किन्हीं की बातों से आप बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव करना, इसीलिए हमेशा कहा जाता है मेडिटेशन करिए, डेली प्राणायाम करिए। यह आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जो है, आप मोटिवेशनल स्पीच सुनिए। सद्गुरु और ब्रह्मा कुमारी के स्पीचेस आपके लाइफ को पॉजिटिविटी से फुलफिल कर देंगे। इवन स्ट्रेस बूस्टर का काम करते हैं। जब भी आप निराश हों, अकेलापन फील करें, तो आप ब्रह्मा कुमारी या सद्गुरु के जो है स्पीचेस सुनिए। उन्होंने हर टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे आपको। आजकल तो आपके पास मोबाइल है जिसमें कि लाखों लोग हैं। अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना सीखिए, उसको अंदर ही अंदर कुढ़िए मत उसमें। आपके पेरेंट्स आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। आप अपने पेरेंट्स से शेयर करिए, अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करिए, लेकिन बात को अपने अंदर दबा करके मत रखिए। कोई आपके बारे में कुछ नहीं सोचेगा। आज की लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा दिखावा आ गया है कि हम खुद ही, हर इंसान अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है, अपनी बातों को शेयर नहीं कर रहा है। सोसाइटी को दिखाने के लिए वो फेक स्माइल तो कर रहा है, बट अंदर से उसके अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान पा रहा है। प्लीज़ गाइस, आप डायरी लिखा करिए, लेकिन अपने अंदर की भावनाओं को आप व्यक्त करिए, अंदर ही मत रखिए उसको। इसीलिए आपको औजारों की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आती है। गाइस, बहुत ज़रूरी है अपने आप से प्यार करना। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। आजकल लोग सक्सेस और फेल्योर के चक्कर में, किसी को करियर का प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। इस चक्कर में आप अपनी लाइफ को जीना भूल जा रहे हैं। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी लाइफ है ना। ज़िंदगी अनमोल है। गाइस, ज़िंदगी को हल्के में मत लीजिए। कुछ चीज़ें आपकी इच्छा से होती हैं और कुछ ऊपर वाले की इच्छा से होती हैं। अगर चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं तो उसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उसको छोड़ दीजिए। हर चीज़ का एक टाइम होता है। आप मेडिटेशन करिए, भगवान के पास बैठिए, मंदिर में जाकर के बैठिए, हरी घास पे बैठिए, प्रकृति के पास बैठिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। गाइज, ये लाइफ है और जीवन में सुख दुख लगा रहता है। अगर कोई बुरा समय आप फेस कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ये टाइम चला जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा। तो आप उसका वेट करिए, पेशेंस रखिए, उम्मीद कभी मत छोड़िए। कभी अपने आप को अकेला मत महसूस करिए। सोचिए, आपके माँ बाप ने कितने अरमानों से आपको इस दुनिया में ले आया होगा, और आप जब सुसाइड की खबर सुनाते हो उनको, तो उनके दिल पर क्या बीतती है ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। आत्महत्या करना पाप है, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी आजकल हम इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जा रहे हैं कि ऐसा कदम उठा ले रहे हैं, जबकि आपकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर आप हैं तो ही आपको गम है, तो ही आपको स्ट्रेस। अगर आप नहीं हैं तो कोई स्ट्रेस नहीं है। ये डिपेंड करता है हमारे माइंड सेट पर कि हम इसको कैसे लेते हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान सिर्फ आपके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सभी के साथ है, बट सब उसको डील कर रहे हैं। आपको डील करना आना चाहिए, आपको स्ट्रांग बनना चाहिए। आप कायर तो नहीं कहलाना चाहेंगे ना। सो गाइस, इन टिप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में एक नया सवेरा लाइए। लाइफ को हंसी खुशी बिताइए, इतना स्ट्रेस और टेंशन में मत बिताइए। ज़िंदगी अनमोल है, इसके महत्व को समझिए और लाइफ को हंसी खुशी एंजॉय करिए। आपकी लाइफ में भी एक नया सवेरा ज़रूर आएगा।